मोस्ट ऑफ द डेज दिस इज माय यूजुअल रूटीन। 4 बज गए हैं और यहाँ पर लंदन सेशन चालू है अभी, और यहाँ पे एक स्मूथ फॉल आ रहा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक ट्रेड ऑन दिस फॉल। वेटिंग फॉर द स्पाइक्स एज यूजुअल, जो स्पाइक्स का मैं वेट करता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये 4 आवर कैंडल स्टिक अभी 3:30 का ओपन हुआ है। इट्स बिन हाफ आवर सिंस इट्स ओपन, तो यहाँ पर ये फॉल कर रहा है और 4 आवर टाइम फ्रेम है ये। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कितना यहाँ पे एशियन सेशन में ओपन हुआ मार्केट, एंड देन गैप अप ओपन होकर वीक बनाकर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर लंदन सेशन इस तरीके से दिख रहा है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। राइट नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज यहाँ पे थोड़ा डीप दे मार्केट नीचे की तरफ, क्योंकि लास्ट वीक में जो सारे के सारे न्यूज़ थे वो थे गोल्ड के लिए पॉजिटिव, US डॉलर के लिए जो भी निगेटिव न्यूज़ होता है वो उसकी वजह से गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है। ओके, तो इस तरीके से कोरिलेशन वर्क करता है। लास्ट वीक की जो भी न्यूज़ थी वो सारी गोल्ड के लिए निगेटिव थी, US डॉलर के लिए निगेटिव थी, इसका मतलब गोल्ड के लिए पॉजिटिव थी, तो गोल्ड जो है वो ओवरऑल ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ऐसे कुछ इतने खास न्यूज़ नहीं आई है जिससे गोल्ड अफेक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल ये जो आप 4 आवर पर ये सारी की पूरी ये जो बाइंग देख रहे हो, ये सारी बाइंग जो है वो उसी न्यूज़ के बेसिस पे हुए, और यहाँ पर मैंने हर जगह पे बाय का ट्राई किया है। कुछ ट्रेड्स पॉसिबल, कुछ ट्रेड्स जो है वो सक्सेसफुल हुए, कुछ ट्रेड्स जो है वो लूजिंग रहे, सिर्फ स्टॉप लॉस की वजह से। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ट्रेड मैंने लास्ट लिया है, अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो ओके, यहाँ पर ट्रेड लिया था भाई ये स्टॉप लॉस हिट करके, उसके बाद एक पिप से स्टॉप लॉस हिट हुआ ये, एंड देन उसके बाद मार्केट जो है आप देख सकते हो कितना ऊपर गया है ये अराउंड गाइस 700 पिप्स। और एक शॉकिंग बात आपको बताता हूँ, इसके नीचे भी मैंने ट्रेड लिया था। मैंने जब बताया था कि भाई मार्केट जो है वो डिप देकर यहाँ पर लोगों को ट्रैप कर ऊपर की तरफ जाएगा, वहाँ पे मैंने बाय का ट्रेड लिया था जो कि मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन मेरे जो बाइंग के लेवल होते हैं वहाँ पर मार्केट जो है, मैंने बताया था कि यहाँ पर मार्केट घूम कर नहीं आएगा, मार्केट वहाँ पर घूम कर नहीं आया। देखो यहाँ पर मैंने कहीं पर बाय किया था समवेयर हेयर और हेयर, ओके, वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है भाई, तो वापस नहीं आया वहाँ पर। ओके, सो अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से भी अगर कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज़ अराउंड ओके 1000 पिप्स। दिस इज़ नॉट, मेरे पास अगर मेरे पास एक ही वो फंडेड अकाउंट है, उसकी वजह से मैंने उसमें ट्रेड लिया एंड एग्जिट भी कर दिया, क्योंकि माय फर्स्ट पे आउट इज़ माय फर्स्ट प्रायर, तो मैं ये ट्रेड होल्ड करता। आज मैं पे आउट के लिए अप्लाई करूंगा और पे आउट की वीडियो भी जल्दी आएगी कि विड्रॉ किस तरीके से करना है, तो मैं आज अप्लाई करूंगा पे आउट के लिए, लेकिन वो जब मेरे वॉलेट में आएगा उसको 2 दिन लगते हैं। तो ये वीडियो, आज का जो वीडियो है वो वीडियो में जब वॉलेट में आएगा वो जो वीडियो उसका वीडियो ज्वाइन करके ये एक साथ में वीडियो पोस्ट करूंगा किस तरीके से विड्रॉल लेना है, एंड देन यू आपके बैंक अकाउंट में वो विड्रॉल कैसे ले सकते हो। ओके, सो लेट्स सी ओवरलैपिंग सेशन में अगर नीचे की तरफ स्पाइक्स देके हमें कुछ अगर कंटिन्यूएशन के मिलते हैं प्रोबेबिलिटी। मैं अभी एक अकाउंट परचेस करने वाला हूँ, सिर्फ $5000 का अकाउंट है जिसमें मैं 4% रिस्क करूँगा एक ट्रेड पे। लेट्स सी अगर एक ट्रेड में हम ये अकाउंट पास कर पाते हैं या नहीं। सो कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैंने फंडिंग टिप्स की और विच प्रॉफर्म इज बेस्ट इन इंडिया वो उसका वीडियो पोस्ट किया, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा वीडियो, मेक श्योर यू वॉच इट। सो लेट्स सी क्या होता है आज के दिन मंडे, लेट्स गो विद न्यू वीक न्यू स्टार्ट न्यू ट्रेड्स। ये ट्रेड मैं एंटिसिपेट कर रहा था, ट्रेड में एंट्री नहीं की क्योंकि मुझे आज विड्रॉल लेना है और अकाउंट जो परचेस था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। दिस ट्रेड आई वॉज जस्ट एंटिसिपेटिंग, क्योंकि आपने देखा है मेरा सेटअप क्या है, ये था सेटअप स्पाइक फ्रॉम EMA प्री लंडन सेशन जो है, सॉरी ओवरलैपिंग सेशन जो है इट्स नियर, तो ये स्पाइक एंड देन दिस इज वेयर वी बाय। ये स्टॉप लॉस जो है ये मैंने ऐसे ही लगाया है, मेरा आइडिया स्टॉप लॉस लेता इस कैंडल के नीचे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंफर्मेशन दे दिया, एंड सी हाउ 4 आवर कैंडल स्टिक इज रिजेक्टिंग फ्रॉम हियर। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 आवर कैंडल स्टिक अभी ओपन होगी 7:30 की, अभी बज रहे हैं 6:41, तो 7:30 की जो कैंडल ओपनिंग है 4 आवर वो डिसाइड करेगी मार्केट का डिरेक्शन। सो लेट्स से अगर वहाँ पे कोई ट्रेड मिलता है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड एंटर दैट ट्रेड। गाइस जस्ट एक छोटा सा स्कैल्प बोल सकते हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने बाय किया 0.10 के साथ, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस नॉमिनल, अभी हिट हो सकता है 1-2 सेकेंड्स में, दिखा देता हूँ आपको। ये बाय किया मैंने यहाँ पर, हो गया स्टॉप लॉस, SL हिट हो गया, ऐसे ही ट्राई दे रहा था गाइस। और ये पे आउट के लिए मैं आज रिक्वेस्ट कर दूंगा। ओके, सो $11 लॉस हुआ है, ये यहाँ पर बाय किया था 1 मिनट पे। ओके, अभी तक मेरा जो
सेटअप है वो सेटअप अभी तक मुझे चार्ट पे नहीं दिख रहा है, तो ऐसे सिर्फ भाई वीडियो में दिखाने के लिए ट्रेड नहीं लेना चाहता मैं। ओके तो वीडियो बना रहा हूँ तो ट्रेड लेना ही पड़ेगा या फिर प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं करता मैं। तो ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो ऐसे भी वी आर गुड, क्योंकि विड्रॉल डालना है। तो ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम किस तरीके से दिख रहा है यहाँ पर, ये 4 आवर टाइम फ्रेम। सो ये कंसोलिडेशन है ना, इसकी वजह से ये जो स्पाइक मैं बोल रहा था जो दिन भर चल रहा था यहाँ पे, ये मार्केट ये रेंज में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो बोला कि यहाँ पर मार्केट रेंज में है, तो ये स्पाइक अगर ये रेंज छोड़ के अगर स्पाइक देता है तो यहाँ पे हम ट्रेड का जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउटकम। तो ये स्पाइक जो था ये हम ओवरलैपिंग सेशन में एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये लंदन में ही हो गया था और यहाँ पर एक ट्रेड हमने एंटिसिपेट किया था। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मार्केट जो है सेल का मोमेंट इसने दिया है, इसका मतलब ये इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़ा चांस है टू बाय एट लोवेस्ट प्राइजेस। लेकिन 4 आवर पे अगर हम देखते हैं तो 4 आवर पे ये कैंडलस्टिक जो है ये बुलिश फ्लिप होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंडलस्टिक हमें दिखाई दे रहा है अभी जो चालू है 7:30 वाला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, ये कैंडल अगर बुलिश फ्लिप होता है तो ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा सकता है गोल्ड, और अगर नहीं होता फ्लिप तो ये थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग देके 10 AMA के नीचे क्लोजिंग देगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे, देन नेक्स्ट जो कैंडल स्टिक रहेगा वो ऊपर की तरफ जा सकता है। यूजुअली क्या होगा भाई, ये बेस्ट एग्जांपल आपको इसके पीछे की वीडियोस अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप देखोगे मैंने बताया मार्केट किस तरीके से मूव करता है। मोस्टली मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव करेगा थ्रू आउट होल डे, और सुबह सुबह बाइंग होगी जो इंडिया के 3:30 4 AM होते हैं, तब मार्केट में जाके बाइंग होगी जब एशियन एशियन सेशन होता है, जब मार्केट में ज़्यादा लोग नहीं होते। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, तो मार्केट जब तक मार्केट में वॉल्यूम है लंदन न्यूयॉर्क में, जब रिटेलर्स ट्रेड कर रहे हैं भाई, तब तक मार्केट को जो है वो नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, स्टॉप लॉसेस खाएंगे, एंड मार्केट इस समय ऐसे समय पर ऊपर जाएगा जहाँ पे किसी को भी बाय का चांस नहीं मिलेगा। मार्केट स्ट्रेट अप वहाँ से शूट होता है। तो यहाँ पर जो है आज का अगर एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे लोवेस्ट प्राइस पे क्लोज नहीं हुआ था मार्केट, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये गैप जो दिखाई दे रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, देखो ये इतना बड़ा जो गैप है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। मार्केट को अगर देखो यहाँ पे 3:30 को ओपन हुआ और तब से जब ऊपर गया तो गया, लोगों ने यहाँ पे बाइंग चालू कर दी, लोगों को यहाँ पर सारे के सारे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। दिस इज़ वाई वी आर वेटिंग, जब तक क्लियर सिग्नल्स नहीं मिलते ना भाई मार्केट में, तब तक कभी भी ट्रेड मत करो। ये और यही रियल गेम होता है मार्केट में, साइकोलॉजी क्या होता है, दिस इज़ द साइकोलॉजी कि आपको माइंडसेट स्ट्रांग रखना है, जब आपका सेटअप आएगा तब ही सिर्फ आपको ट्रेड लेना है। तो ऐसे फालतू के ट्रेड्स लेकर कुछ मतलब नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ता है। देखो अभी आज मंडे है, मेरे पास $15,000 का फंडेड अकाउंट है, फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये तो मैंने ऐसे ही 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया था ट्रेड, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 1 मिनट पे जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज़ वन ऑफ माई सेटअप विच आई टीच इन माई मेंटोरशिप प्रोग्राम 1 मिनट का। तो ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बेसिस पे जो है लास्ट लेग जिसे मैं बोलता हूँ लास्ट लेग स्ट्रैटेजी, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड था ये, बट बहुत ही ऐसे ही ट्रेड लिया था मैंने ये तो 0.10 के साथ, लेकिन मेन ट्रेड अभी बाकी है तो वो ट्रेड तो मैंने नहीं लिया। मुझे शायद कल ट्रेड मिल सकता है या फिर आज रात को ट्रेड मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है भाई 9, 9:30, 10 बजे ट्रेड मिलता है, एंड देन वो ट्रेड चलता है 2-2.5 बजे तक। ओके न्यूयॉर्क में भी ट्रेड मिल सकता है। लेट्स, अभी तो ओवरलैपिंग चालू है, अभी जिम जाता है एंड लेट्स टेक सम प्री वर्कआउट। जिम जाने से पहले एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी तगड़े तगड़े रील्स में डालने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो यूज़र नेम आपके यहाँ पर आ जाएगा मेरा, Hitesh_Sakhare, एक ही अकाउंट है Hitesh_Sakhare। एंड अगर आपको कोई फॉलो रिक्वेस्ट आती है, कोई इन्वेस्टमेंट मांगता है, कोई पैसे बोलता है कि पैसे डबल कर दूंगा, दैट्स नॉट मी, आई विल नेवर DM यू फर्स्ट रिगार्डिंग एनी इन्वेस्टमेंट एंड एनी स्कीम्स लाइक दैट। अगर आप देख पा रहे हो हमारे ऑलमोस्ट जो है
14,000 सब्सक्राइबर हो गए, तीन सब्सक्राइबर्स बाकी है सिर्फ। आप इतना अच्छा प्यार दे रहे हो, आई एम गोइंग टू बी 100% ऑनेस्ट विथ यू एंड विल ब्रिंग एज मच कॉन्टेंट एज आई कैन। आपको पता है मेरा कॉन्टेंट हमेशा से क्वालिटी रहा है एंड आगे भी ऐसा ही कॉन्टेंट आपको दूंगा। स्पेशली फंडेड अकाउंट्स का भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प कर सकता है। दैट इज़ वाई आई एम ब्रिंगिंग फंडेड अकाउंट जो होते हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डिमांड भी बहुत है आप लोगों के। और मैंने मोनेटाइजेशन भी बंद कर रखा है मेरे चैनल पे, आपको एक भी ऐड नहीं दिखेगी। देखो यहाँ पे मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर दिया है। सो एंड दिस इज़ गोल्ड राइट नाउ का, इफ़ यू सी दिस प्राइस एक्शन ऑन गोल्ड, ये देखो कैसे किस तरीके से ये मूव कर रहा है गोल्ड जो है। सो दिस वॉज माई सेटअप, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया क्योंकि इस तरीके से नहीं, मैं अगर क्लीन सेटअप मिलता है मुझे तब भी मार्केट में ट्रेड करता हूँ। ये भी मेरा सेटअप था, 1 मिनट पे भी हमने ट्राई दिया था इसको, बट एनीवेज स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो अभी तक तो मैंने ट्रेड नहीं लिया है। अभी भी न्यू सेशन बाकी है, इट्स 10 PM राइट नाउ, लेट्स सी क्या होता है। तो अभी जस्ट जिम से निकला, आई डिडंट शूट इन द जिम, लेग डे था तो काफ़ी हेवी डे था लेग्स एंड आर्म्स। सो ये देखो रिसेंट ब्रेकआउट ऑन गोल्ड, तो अभी जाते हैं गाइस अपने फ्लैट पर। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हो भाई मीटअप मीटअप मीटअप, लेकिन मीटअप में इस तरीके से नहीं रखूँगा। मीटअप में हम फ्री वाला वेबिनार रखेंगे, सेमिनार रखेंगे, जिसमें आप लोग आओगे और बहुत कुछ सीख के जाओगे। उसके बिना मैं ऐसे फालतू चीज़ों के लिए मीटअप नहीं रखूँगा कि आओ मुझसे मिलो। ओके, सो आई विल मेक श्योर यू लर्न समथिंग फ्रॉम आवर मीटअप। सो गाइज बेसिकली मैंने आज ट्रेड नहीं किया, जो 0.10 से किया था, 0.10 से जो ट्रेड लिया था 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, दैट्स इट। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। अभी एक स्पाइक दिख रहा है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी ट्रेड्स हेयर, क्योंकि ओवरऑल जो है वो बुलिश है, तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइजेस। तो देखते हैं कल का न्यूज़ का क्या सिनारियो है। ओके, सो लेट्स चेक आउट कल क्या सीन है न्यूज़ का। सो न्यूज़ के लिए हम जाते हैं forexfactory.com पर। लास्ट वीडियो जो मैंने स्ट्रैटेजी वाला अपलोड किया था उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैं भूल गया था वीडियो बताना। तो न्यूज़ इतना बड़ा, यहाँ पे जब रेड फोल्डर होता है तब यहाँ पे हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज़ होता है। ओके, सो एक यहाँ पे सिखा देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं फोरेक्स फैक्ट्री। ये आप देखोगे मेरे यहाँ पे सिर्फ USD दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों के अगर देखते हो आप तो हर किसी पेयर का न्यूज़ दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पे ना ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, ये फ़िल्टर के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर सिर्फ हाई इम्पैक्ट वाले न्यूज़ पे सिलेक्ट किया है, तो मुझे लो इम्पैक्ट वाले न्यूज़ नहीं दिखते। यहाँ पे एक ऑरेंज और रेड फोल्डर वाले दिखते हैं सिर्फ। क्या क्या अब मुझे न्यूज़ चाहिए वो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया, तो USD के मुझे चाहिए सिर्फ, तो आई विल ओनली सिलेक्ट USD। तो ऐसे अप्लाई फ़िल्टर करके आप देख सकते हो यहाँ पर, फिर अब आपको सिर्फ USD के न्यूज़ आएंगे। तो मैं सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो उसकी वजह से मैंने सिर्फ USD का रखा है, तो उस पर मेरा ज़्यादा ध्यान होता है। GBP का भी देखता हूँ, जब मैं GBP पे ट्रेड करता हूँ तब मैं GBP का भी देखता हूँ, GJ का। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।